तो आप सब लोग को पता होगा कि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो सेशन का एक से दो क्वेश्चन परसेंटेज बेस पे होता है। परसेंटेज में हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। इससे गलत को करना है, गलत से सही को नहीं करना है। बटे 80 यानी नियर बाई 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी आंसर 100 से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो भाई 100 से बहुत ज्यादा, वैसे भी नीचे 4 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। अगर मैं सॉल्व करने का, ये 100 से कम है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या भाई, एक्सपेंडिचर। बस आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं जितेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। जैसा कि मैं आप सब लोग से एक वादा किया हुआ था कि हम एक चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन सीरीज लेके आएंगे हर एक चैप्टर की, आज का जो चैप्टर है आपका वो है परसेंटेज। इस चैप्टर में परसेंटेज के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसमें एक एक टाइप को मैंने कलेक्ट किया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। हर टाइप के एक से दो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में, लाइक आरआरबी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, जो आपका आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आउट है, इसके अलावा जो बच्चे पंजाब के भी हैं जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपके बड़े काम की है। तो आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो आप सब लोग को पता होगा कि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो परसेंटेज का टाइप आज मैंने आप लोग के लिए लिया हुआ है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का एक से दो क्वेश्चन परसेंटेज बेस पे होता है। ये वीडियो उन बच्चों के काम आने वाली है जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको पता होगा कि परसेंटेज में हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/8। इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए, तब आपको ये चैप्टर समझने में ज्यादा मजा आएगा। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो देखिए दिया हुआ है, 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इक्वल टू मिस्टेक है, इक्वल टू 21 × 29। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये कितना बड़ा कैलकुलेशन है। जैसे 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 44% ऑफ 25, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, 25% ऑफ 44, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको नजर आ रहा होगा। 44% ऑफ 25 या 25% ऑफ 44, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी आप लिखेंगे 44 × 25/100 और यहां भी आप लिखेंगे 25 × 44/100। बट आपका देखने का नजरिया बस अलग अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इमीडिएट करते हैं 11 और इस क्वेश्चन के लिए हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि हम परसेंटेज को आपस में स्वैप कर सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो कि परसेंटेज को हम आपस में स्वैप करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं दूं आपका, तो अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है 78.5% ऑफ 640 क्लियर प्लस 36% ऑफ 785 क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए कि कितना ज्यादा आपको कैलकुलेटिव दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस जीरो को मैं इस पॉइंट के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी ये भी हो गया आपका 785
और यहां पे भी हो गया आपका 785। आप देखिए 64 है और परसेंटेज यहां लगा भी मैंने बताया कि मैं परसेंटेज को क्या कर सकता हूं, स्वैप कर सकता हूं। मतलब ये परसेंटेज मैं इसके साथ अगर शिफ्ट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 64% ऑफ 785 प्लस 36% ऑफ 785। क्लियर? अब आप खुद सोचिए कि एक जगह इसी नंबर का हो रहा है 64% और एक जगह हो रहा है 36%, तो ये दोनों मिलके अपने आप में कितना हो गया 100%। आई होप आपको समझ में आ रही बात कि किसी नंबर का 64 प्लस 36 दोनों मिलके कितना हो गया आपका 100%, और किसी भी नंबर का जो 100% होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। यानी इस पूरे की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 785। यानी जो इतना बड़ा आपका कैलकुलेशन दिख रहा था, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपके लिए क्वेश्चन हार्डली 5 सेकंड्स का। कैसे? इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा और ऑब्जर्व किया था, इस जीरो को मैंने इस पॉइंट के साथ उड़ा दिया। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि इस जीरो को मैंने इस पॉइंट के साथ उड़ा दिया। यहां पे कितना बन रहा है 64%, यहां पे कितना बन रहा है 36%, दैट मींस कितना बना आपका 100%, और इस नंबर का 100% यानी मेरे दिमाग में सीधे सीधे क्या आया, 785। क्लियर? माइनस एक्स, यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 21 × 29। अगर आपको टेबल आता वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू है वो क्या है 25 - 4, और ये जो वैल्यू है वो क्या है आपका 25 + 4। आपने एक बेसिक सी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a - b + a + b, a - b × a + b क्या होता है a² - b². अगर मैं उसको यूज करूं तो 25 का स्क्वायर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 625, और 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो राइट साइड में मेरा क्या आ जाएगा, 609, और इधर क्या है 785 माइनस एक्स। अगर इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं और ये एक्स इधर ले जाऊं तो ये वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो आप देखिए सीधे सीधे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 176। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो इसको आप हार्डली 3 to 5 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ बी देन जेड परसेंट ऑफ बी इज। यानी अपने पास जो गिवन है वो क्या गिवन है कि एक्स परसेंट ऑफ ए इक्वल टू y परसेंट ऑफ b। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये सीधे सीधे हो जाएगा ax/100 इक्वल टू yb/100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। ax इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, by। इतनी बात हमें यहां से पता चली। अगर मैं इसके आगे जाऊं जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्या पूछ रहा है, z परसेंट ऑफ b। एक बात यहां पे और भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि इसका रीजन क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहां पे कि अगर कहीं लिखा हो ab/100, तो आप देखो इसको लिख सकते हो a% of b, इसी बात को लिख सकते हो आप b% of a। क्लियर है? यानी अगर नीचे 100 है तो वो न्यूमरेटर में से किसी का भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो यहां पे भी अब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है और इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। तो हमें ये पता चल गया कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, जेड आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े सारे ऑप्शन में न्यूमरेटर में जेड आया हुआ है। क्लियर? किसी भी ऑप्शन में बी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बी अगर इसमें दिख जाएगा तो इस बी का कोई यूज नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं b = तो ये क्या हो जाएगा आपका ax/y। इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो आप देखिए z/100 और b की जगह ax/y। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको ऑप्शन में क्या करना है कि वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें z ax कहां पे हो।
न्यूमरेटर में हो, ये परसेंटेज किसी के साथ लग सकता है। मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया कि ये 100 अगर नीचे लिखा हुआ है तो वो किसी का भी हो सकता है, क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या हो, वाई हो। तो आप सारे ऑप्शन को देखेंगे तो ऊपर वाले में देखिए वाई जेड ऊपर है यानी वो काम का नहीं हो सकता, यहाँ एक्स वाई ऊपर का है वाई हमें ऊपर नहीं चाहिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए क्या है, एक्स जेड, एक्स और जेड, वाई कहाँ है नीचे और ए भी कहाँ है ऊपर, यानी आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में अगर पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी ऑप्शन से आपको आंसर करना है, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे हम परसेंटेज किसी का भी हो सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। मैंने बताया था कि हर तरह के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे अगला आपको पता है कि हर पेपर में आता है एरर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि आपके मार्क्स चेक किए गए उसमें क्या हो गया, कुछ कंप्यूटेशनल एरर हो गया कि 23 की जगह 32, ऐसे क्वेश्चन आपने एवरेज में देखे होंगे, तो यहाँ पे भी इस तरह की कुछ गलती हो सकती है। इसमें क्या होता है कि लिखना था कुछ और, किसी ने लिख दिया कुछ और, या इस नंबर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था, गलती से इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो सही क्या है या परसेंटेज एरर क्या है, गलती क्या होती है। देखिए अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज एरर में कैसे क्वेश्चन होंगे, तो देखिए इसमें चेक करने का बेस क्या होता है, हमेशा आपको राइट से रॉन्ग को चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं समझाऊं एग्जांपल से, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आने वाला था 10, आंसर कितना आने वाला था 10, आपने आंसर क्या ला दिया 15, आंसर क्या आने वाला था यानी सही आंसर क्या था 10, आपने क्या लाया 15, आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज एरर क्या है। अब बच्चे क्या कहते हैं, उनको ये तो पता चल गया है कि भाई गलती कितने की है 5 की, लेकिन 5 की गलती 10 से है या 15 से है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं, समझ में आ रही बात। तो एक बात आपको अपने दिमाग में हमेशा बैठाना है कि हमेशा जो गलती होगी वो देखेंगे कहां से हुई है, तो 5 की गलती 10 से हुई है 15 से हुई है, तो डेफिनेटली 10 से हुई, यानी हमेशा सही से गलत को कंपेयर करना है, गलत से सही को, सॉरी सही से गलत को करना है, गलत से सही को नहीं करना है, क्लियर। तो अब हम इस पे क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश करें, जैसे आपका ये हो गया तो यहां पे 5 की गलती हुई है किससे भाई 10 से इनटू 100, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 50% आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लियर। तो अब मैं क्वेश्चन को लेता हूं, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम खूबसूरत सा, कि इफ द वर्ड फोटोग्राफ, वर्ड क्या है आपका फोटोग्राफ, इज स्पेल्ड विथ एफ, मतलब जो आपका फोटोग्राफ था उसको पी से न लिख के किससे लिख दिया गया भाई एफ से, फोटोग्राफ, क्लियर है। यानी अब आपके पास ये लिख दिया गया, एक्चुअल में क्या लिखना था टी एच ओ टी ओ जी आर ए टी एच, यानी हमें लिखना ये था और हमने गलती से ये लिख दिया। पूछा जा रहा है कि कितने की गलती हुई है, तो आप देखो यहां पे लिखा हो गया प्लेस ऑफ पीएच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द, परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कितने का रिडक्शन हुआ है, कमी कितने की हुई है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे टोटल कितने थे भाई 10, यहां पे जाएंगे कितने हो गए 8, समझ रहे हैं इस बात को, पहले कितने होने थे सही 10, कितने हो गए 8, कितने की गलती हुई है 2 की, यानी जो 2 की गलती हुई है वो कहां से हुई है 10 से। 2 की गलती, मैंने हमेशा क्या बताया राइट टू रॉन्ग कंपेयर करना है, तो 2 की गलती हुई है किससे भाई 10 से, इनटू क्या कर देंगे 100, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर या रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए कि एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 6/11, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 6/11, यानी उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई 6/11 से, करना किससे था 5/6 से, यानी कोई नंबर था, मान लो नंबर हमें नहीं पता, उसको मल्टीप्लाई करना था किससे 5/6 से, जो भी आता वो आपका करेक्ट होता। उसने क्या किया, नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 6/11 से, जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका इनकरेक्ट आएगा। आपसे पूछा जा रहा है
कि कितने परसेंटेज का एरर हुआ। देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। जब मैं आपको इसी चैप्टर पे एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, जहाँ पे जो भी आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, तो वहां हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ है मेरा ये उद्देश्य है कि आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा दूं, फिर इसके बाद से जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी परसेंटेज की, उसमें कहीं ना कहीं हम बेहतरीन क्वेश्चन परसेंटेज के लेके आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका क्वेश्चन करने का तरीका एकदम बदल जाएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कहीं ना कहीं हमें करेक्ट टू इनकरेक्ट देखना है। अब मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, या पहले आपने सीखा होगा कि कुछ भी अगर एज्यूम करना हो तो आप क्या एज्यूम करो, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। एक्स ओक्स नहीं करते भाई, एक्स को छोड़ दो, ठीक है, कोई काम नहीं आने वाली। अगर मैं बात करूं ऐसा नंबर हो जो 6 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, तो उस नंबर को 6 और 11 का मल्टीपल यानी क्या ले लिया मैंने, 66। यहां पे भी नंबर क्या आ गया भाई, 66। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये कितना हो गया 11, 11 इंटू 5 55। यहां पे मैं बात करूं 11 इंटू 6 66 जा 36। क्लियर। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि हमेशा आपको कहां जाना है, करेक्ट टू इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पूछा गया है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो कितने की गलती हुई, आप यहां से यहां तक देखें तो 19 की गलती हुई है। 19 की गलती किससे हुई है भाई, 55 से। तो नीचे क्या आ जाएगा, 55 इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। इसी को कैलकुलेट करना है, करते हैं इसको कैलकुलेट। 5 से इसको 9 तो कट कर दीजिए 20, और ये क्या हो गया आपका 11, यानी 380/11। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करते समय आपको ऑप्शन भी देखते रहना हो। देखिए यहाँ पे हालांकि ऑप्शन देख के कुछ होना नहीं है, क्योंकि हर जगह इसने क्या दिया है, डिनोमिनेटर। एग्जामिनर आपसे भी होशियार हो चुका है। 11 3 जा 33, कितना बचा भाई 50। 11 4 जा 44, 6/11, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 6/11, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये परसेंटेज एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। बस इसमें दो चीज पे फोकस करना था, एक तो हमें नंबर को कैसे एज्यूम करना, जो मैंने बताया कि हमेशा क्या लेंगे आप, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। सेकेंड चीज मैंने आपको क्या बताया कि सही से गलत को कंपेयर करना है, गलत से सही को कंपेयर नहीं करना। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे उन बच्चों को भी मदद होगी जो दूर दराज है, जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका परसेंटेज का है, मोर एंड लेस कॉन्सेप्ट। मोर एंड लेस का मतलब आपको पता होगा, जैसे किसी चीज की वैल्यू बढ़ गई, किसी चीज की वैल्यू कम हो गई, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो राम की इनकम इतनी थी, श्याम की इनकम इतनी परसेंट ज्यादा है, मोहन की इनकम इतनी परसेंट कम है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। ये आप लोग को अजीब सी बात है, जैसे मैं बोलूं कि 60% बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए भाई, 40%। कैसे पता चला, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई वैल्यू 100, तो 100 में से 60 पास हुए तो 40 क्या हो गए, फेल हो गए। मोर और लेस में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे मैं बोलूं 20% मोर, तो 20% मोर का मतलब भाई 20% ज्यादा, तो 20% ज्यादा का मतलब कितना, 120%। मैं बोलूं 30% लेस, तो 30% लेस का मतलब 70%। समझ में आ रही बात। ऐसे ही फ्रैक्शन में भी, जैसे कहीं लिखा हो आपका 8.33% मोर, तो 8.33, मैंने पहले बताया कि भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज इसको पुरानी एकदम बेसिक चीजों पर करेंगे, फिर पता चलेगा वीडियो हो गया 2-3 घंटे का, फिर वो उन बच्चों के काम नहीं आएगा जो पिछले 5-6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका एग्जाम आने वाला, कहीं कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये सारी चीजें आती है। तो 8.33 का मतलब क्या होता है भाई, 1/12, और 1/12 मोर का मतलब क्या होता है, 13/12। अगर कहीं पर लिखा हुआ आपका 6.66% लेस, तो एकदम रॉकेट की स्पीड से पता होना चाहिए, 6.66 का मतलब क्या होता है, 1/15, और 1/15 लेस का मतलब 14/15। क्लियर। तो ये बेसिक अगर आपको पता है तभी आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका पहला।
कह रहा है इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। देखो अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करने लगते हैं, नंबर को एक्स लेंगे फिर उसका 85%, ये सब काम नहीं करना है भाई। आपको एकदम स्मार्ट वर्क करना है। 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में फटाफट एकदम आना चाहिए दिमाग में रॉकेट की स्पीड से, कितना होता है 100%। अब आप बताओ आपने 85% के साथ कुछ मिलाया और ये 100% हो गया, तो इतनी देर में आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि 85 में कुछ मिलाया जा रहा तो कितना हो रहा है 100, यानी डेफिनेटली कितना मिलाया जा रहा है भाई 15%। इस 15% की वैल्यू कितनी है 75, तो 1% की वैल्यू यूनिटरी मेथड आप सबको पता होगा कितना होगा भाई 5, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 500, यानी नंबर अपने आप में कितना हो जाएगा 500। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको पेन कॉपी की कोई जरूरत ही नहीं थी, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या करना था भाई, 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। क्लियर? देन द नंबर बिकम्स इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब 100% हो गया, यानी कितना जुड़ा 15 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू 500, काम तमाम। चलिए अगला क्वेश्चन, करा टू नंबर्स आर 15% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, यानी दो नंबर है मान लो, एक नंबर ये हो गया फर्स्ट, एक नंबर ये हो गया सेकेंड और एक नंबर ये हो गया थर्ड। करा टू नंबर्स आर 15% एंड 20%, दो नंबर हैं 15% और 20% क्या है कम है, किससे थर्ड नंबर से। तो मान लो मैंने मान लिया थर्ड नंबर को क्या भाई 100, पहला नंबर 15% कम यानी कितना 85, दूसरा नंबर 20% कम यानी कितना भाई 80, खत्म कहानी। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, क्या करे भाई पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, यानी 85 80 का कितना परसेंट है। क्लियर? अब देखिए एक उम्मीद ये है कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करें, आप ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 100 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। जैसे आप देखिए भाई ये तो 100 है पूरा और 85/80 यानी नियर बाई 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी आंसर 100 से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो भाई 100 से बहुत ज्यादा, वैसे भी नीचे 4 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। अगर मैं सॉल्व करने का ये 100 से कम है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 3 है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ले दे के आंसर क्या हो जाएगा 106 होल 1/4, ये वो चीज है जो मैंने आपको बिना सॉल्व किए बताई। आपका मन करे तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, क्योंकि बैंकिंग वाले पेपर में एक नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन होता है, तो या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आप 100% श्योर हैं, अदरवाइज इसको कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना हो जाएगा भाई 17/16। अब देखो बच्चों अगर ये 16/16 होता तो 100% हो जाता, कैलकुलेट नहीं करना है। एक्स्ट्रा कितना है 17/16 का मतलब, जो बच्चे पढ़े होंगे इसका मतलब भाई ये 1+1/16 है, यानी ये तो पूरा हो गया दैट इज 100%, और 1/16 का मतलब 6 1/4 होता है, इसको आप जब देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1061/4%। मन करे तो आप एकदम इसको पूरा दिमाग लगा के सॉल्व करो, या मन करे तो प्रैक्टिस करके आप इसका आंसर करो। क्लियर? चलिए अगली चीज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर इज 14.28% मोर देन द थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है वो 14.28, जैसे दिखा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई ये 1/7, ठीक है, मोर देन द थर्ड नंबर। एंड सेकेंड नंबर इज 16.67, 16.67 का मतलब क्या हो गया भाई 1/6 मोर देन द थर्ड नंबर। क्लियर? यानी यहां पे फर्स्ट नंबर को भी किससे रिलेट किया गया है थर्ड नंबर से, और सेकेंड नंबर को भी किससे रिलेट किया गया है थर्ड नंबर से। क्लियर? यानी फर्स्ट नंबर का भी रिलेशन थर्ड से है, और आपका ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ये कह रहा है ये इससे भाई 1/7 ज्यादा है और ये इससे क्या है 1/6 ज्यादा है, यानी सामने वाला नंबर कुछ ऐसा हो जो 7 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। यही चीजें तो सीखनी है यार, 7 और 6 से कटने वाला नंबर कितना होगा 42। कह रहा है पहला नंबर इस नंबर से 1/7 ज्यादा, इसका 1/7 कितना हो गया 6 ज्यादा यानी 48, या जो मैंने बताया कि 1/7 मोर का मतलब क्या होता है 8/7 और 42 कर दो,
तब भी क्या आएगा 48। दूसरा जो नंबर है वो कह रहा है भाई इससे 1/6 ज्यादा, तो इसका 1/6 कितना हो गया 7, 7 ज्यादा मतलब 49, ये नहीं पसंद आ रहा है। 42 से 1/7 ज्यादा यानी दैट इज 6/7 यानी कितना हो गया 49। चलो ये तो हो गया, नंबर बन गए। यहां तक आई होप आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब कह रहा है देन सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर। बेचारा कितना ज्यादा है भाई। सेकेंड नंबर इज हाउ मच मोर यानी कितना ज्यादा है 1 किससे भाई, फर्स्ट नंबर यानी नीचे कौन आएगा, फर्स्ट नंबर इनटू 100। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई 25 और ये क्या हो जाएगा 12। 25/12 का मतलब 2/1/12% ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, मजा आ रहा आप लोग को। चलिए और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला जो टाइप है वो क्या है आपका, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी शहर की पॉपुलेशन है वो हर साल 20% बढ़ती चली गई, 20% बढ़ती चली गई, या किसी मशीन की प्राइस 10% डेप्रिसिएट होती गई, फाइनल प्राइस ये थी। तो इनिशियल सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद दूसरा, क्लियर, ये हुआ फिर ये हुआ। जैसे मैं बोलूं कि किसी चीज की प्राइस 10% कम हो रही है, तो मान लीजिए वो 100 था तो 100 से क्या हो गया 90, तो अगली बार 100 से कम नहीं होगा भाई, 90 का 10% कम होगा यानी 9 कम होगा यानी कितना हो गया 89, ठीक है सॉरी 81, अगली बार 81 का 10% यानी 8.1 कम होगा, इसको बोला जाता है सक्सेसिव। क्लियर। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, एक होता है वैल्यू बेस जिसमें क्वेश्चन की वैल्यू दी गई है कि मशीन की प्राइस ये है ये हो गई, और दूसरा होता है सिर्फ आपसे पूछा जाता है परसेंटेज बेस। तो परसेंटेज बेस है तो सिंपल फ्रैक्शन रख के सॉल्व करेंगे, वैल्यू बेस है तो वैल्यू पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोनों के एक एक एग्जाम्पल। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका है, देखिए कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16 whole 2/3%। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे विद इन सेकेंड, सॉरी जब भी आपको परसेंटेज दिखे विद इन सेकेंड इसका फ्रैक्शन दिखना चाहिए, तब मजा आएगा। 16 whole 2/3% का मतलब क्या हो गया 1/6। डिक्रीजेज बाई 37.5 का मतलब क्या हो गया भाई 3/8। और इंक्रीज 57 1/7%। देखो ये क्या दिया हुआ आपका 57 1/7%, इसको मन करे तो ब्रेक कर लो या फटाफट करो। देखो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 यानी 35 + 49 यानी 400 पहुंच गया भाई, समझ में आ रही 35 यानी 350 + 49 यानी 399। एक को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी है यानी ये क्या हो गया 400/7। 400/7 का मतलब क्या हो गया भाई 4/7। तीनों फ्रैक्शन एकदम खटाक तैयार है। चलिए करा द फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 years यानी 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा भाई 275। हमसे ये प्रेजेंट वाली वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर। चलिए अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इंक्रीज बाई 1/6 इंक्रीज होगा, तो आप सब लोग को पता होगा क्या होगा भाई 7/6। क्लियर, फ्रैक्शन का यही कमाल है, अगर आपको पता है तो एकदम धमाल, नहीं पता है तो फिर बवाल। चलिए डिक्रीजेज बाई 3/8 डिक्रीज का मतलब, डिक्रीज का मतलब माइनस करो, इंक्रीज का मतलब प्लस करो, कितना हो गया भाई 5/8। फिर से अगला क्या है इंक्रीजेज बाई मतलब 11/7, बस ये सज गया, एकदम उड़ा दो इसको फटाफट, काटो 7 से 7 गया। क्लियर, और कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा। 11/5 जा 55 का ये 5 गुना है, 8 छक्के भाई 48 × 48 = 240 यानी 240 के बाद 0 मत दबा जाना, सीधे आंसर मारना, काम खत्म। ठीक है, वो तो यहां आपको समझाना है इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन को एकदम आपको फटाफट उड़ाना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है 240 एक 0 कम है, एक 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर ठीक, क्लियर है बात, समझ में आई। यानी पूरा कमाल इसमें किसका था, फ्रैक्शन का था। देखो अब सारा फ्रैक्शन ऐसा सेट करके दिया हुआ, वैल्यू एकदम फटाफट कट रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कह रहा द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर, हर साल क्या हो रहा है भाई 20% बढ़ रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ठीक है, तीसरे साल और चौथे साल के एंड पे डिफरेंस ये है,
देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अगर मैं आप लोग को दो मिनट का टाइम दूं या एक मिनट का टाइम दूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करने की कोशिश करें, आपसे सबसे कॉमन बेवकूफी क्या होगी कि आप क्वेश्चन को फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। आप ट्राई करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन का। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आपका टाइम समाप्त, मेरा टाइम शुरू। करा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी एक प्राइस बात किया भाई थर्ड ईयर के एंड में और एक प्राइस की बात किया है फोर्थ ईयर के एंड में। ये दिया हुआ है 259.50 और पूछ रहा है 40% ऑफ प्राइस ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब मेरे भाई फर्स्ट ईयर की अगर मैं प्राइस गलती से मान लूं कि फर्स्ट ईयर की जो प्राइस है वो 100 है, तो आप देखो क्या बेवकूफी हो रही है। अगले साल 20% बढ़ा, यानी 120, यहां तक तो जोर लगा लिया, फिर 20% बढ़ा 144, यहां आते आते ना हालत खस्ती हो जाएगी, क्योंकि 120 करोगे 6/5 करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा और सारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी पता चलेगा। एक क्वेश्चन में उलझ गए, बाकी के 5 क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन में आप देखो कि इस फर्स्ट ईयर का कोई लेना देना नहीं था, क्वेश्चन शुरू दिया है यहां का 2 का और पूछा हुआ है यहां का, यानी क्वेश्चन को मैं शुरू करूंगा सीधे सीधे सेकेंड ईयर से। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? सेकेंड ईयर से। क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? चलिए, अगर मैं मान लू सेकेंड ईयर के एंड में मेरी प्राइस 100 रुपये थी, तो इसका 20% बढ़ा, यानी थर्ड में कितना हो गया भाई 120, फिर इसका 20% बढ़ा, यानी कितना हो गया 144। अब देखो इससे क्या हो गया आपका, फिर यहां पर समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 40% ऑफ द प्राइस सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में मैंने कितना माना है भाई 100, इसका 40%, यानी मुझे 40 यूनिट की वैल्यू चाहिए। मेरे पास गिवन क्या है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस कितना है भाई 24, यानी मेरे पास 24 की वैल्यू गिवन है और 40 की वैल्यू मेरे से पूछी जा रही है। अब मैं इसको कैसे करूंगा फास्ट वाइज देखते हैं, यानी 259.2 जो है ये किसकी वैल्यू है भाई 24 की, और मेरे से वैल्यू किसकी पूछी जा रही है 40 की। यानी जिन बच्चों की ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी वो ये डेकोरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब मैं आपको इसका प्रैक्टिस सिखाऊंगा तब भी मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। भाई क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व होता है, बस सॉल्व करने का जज्बा चाहिए। चलो अब ये लिख लिया, देखो कितना आसान है, ये 0 से भाई 0 उड़ गया, 4 का टेबल सबको आता है, कितना हो गया 6 से अगर मैं शुरू करूं तो 6 चौके 24, 1 9 6 3 18 और 6 2 12, तो ये क्या हो गया आपका 432। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मुझे लगता है अगर इस तरह के क्वेश्चन आप 2-4 कर लें तो शायद इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप भी फोड़ के रख देंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, इस तरह के भी क्वेश्चन देखता हूं, मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में बड़ा परेशान हो जाते हैं। भाई ये सक्सेसिव है, जो दिया गया उसको करो, काम खत्म इसमें, क्योंकि जो वैल्यू होती है ना, जैसे आप देखे होंगे कि प्राइस कंजप्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं देखता हूँ बच्चे ये एज्यूम कर रहे हैं, वो एज्यूम कर रहे हैं, फलाना रिमकाना पता नहीं काका कर दिया। कुछ नहीं करना है भाई, अगर कहीं लिखा हुआ है 5/6 ना, इसका मतलब एक बात पल्ले पड़ने चाहिए कि एक यूनिट कम हो रहा है, किससे 6 से। मैं परसेंटेज पूछूं तो 1/6 दैट मींस कि 16.6। कहीं किसी को दिख रहा है 8/5, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई 3 यूनिट बढ़ रहा है, किससे 5 से। 3/5 का मतलब कितना होता है भाई 60%। इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए कि देखो और आंसर दाग दो। चलो देखते हैं हम लोग इसको भी। तो अब देखो कि प्राइस और कंजप्शन के जैसे क्वेश्चन होते हैं उसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर फिक्स है। अब आप खुद बताओ कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल इंक्रीज बाई 26.6%। क्लियर? इसकी वजह से कहां भाग जा रहा भाई, इसकी वजह से जो प्राइस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, प्राइस को उसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। मतलब है क्या कि रिवेन्यू जनरेट करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप प्राइस बढ़ा दीजिए और कहीं ना कहीं कैपेसिटी को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि प्राइस को कम कर दिया और सीट को बढ़ा दिया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आएंगे। तो कुछ इसी तरह का इस भाई साहब ने किया हुआ है।
क्या किया हुआ इन्होंने, सिटिंग कैपेसिटी। अब देखो आप जितनी कैपेसिटी होगी यानी जितना टिकट बिकेगा और जितनी कैपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग इसका फाइनल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बस एक लाइन का क्वेश्चन है 26.66। देखो अगर आपको न याद आया तो दो बातें याद रखना, बिना परसेंटेज के मैं बोल रहा हूं, 0.33 का मतलब होता है 1/3, 0.66 का मतलब होता है 2/3। क्लियर, 0.33 का मतलब क्या होता है 1/3, 0.66 का मतलब क्या होता है 2/3। अगर आपको ये याद आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो ऐसे सजा लेना। 26×78 = 2 80/300, 80/300 का मतलब 0 से 0 गया 2/15। क्लियर, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, ये ना समझ में आया कैसे कर लेना भाई, 20+6.66, 20 का मतलब 1/5, 6.66 का मतलब क्या हो गया भाई 1/15, 6.66 का मतलब क्या हो गया 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है ये चार लिखा, 5×3=4/15, समझ में आ रही बात। तो आपको बस ये चीजें आनी चाहिए, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि इसको आप 2/3 सोचो, 26×78 = 2 80/3, 80/300 0 से 0 कट गया, 2×4=8 और 2×15 यानी 4/15। क्लियर, तो ये फ्रैक्शन हो गया, मैं आप भी आपको लेके आता हूं क्वेश्चन पे। यानी अगर मैं बात करूं 26.6 का, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाला भाई 4/15। क्लियर है ये बात, चलिए अब इसके बाद से देखते हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई है इंक्रीज, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाएगा 19/15। आगे क्या कह रहा है कि प्राइस कम हुआ है कितना 37.5, इसका मतलब क्या होता है 3/8, अगर 3/8 कोई चीज कम होगी तो 5/8 यही हो गया हमारा रेवेन्यू, समझ में आ रही बात। रेवेन्यू के लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्राइस और ये क्या है कंजम्पशन, सिंपल सी बात है। ये क्या है भाई सीटिंग कैपेसिटी, एक क्या है सीट का प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा रेवेन्यू। करते हैं, कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, 5/3 यानी 19/24। आप सबको पता होगा ये क्या होता है ओल्ड और ये क्या होता है भाई न्यू, कितने का फर्क पड़ा 5 यूनिट अपना कम हो गया। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इसका 630 रुपये का घाटा हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड इनिशियल, इनिशियल का मतलब ओल्ड, आपसे ओल्ड वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैं लिखूंगा 5 यूनिट की वैल्यू 630, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप क्या करोगे इसको 5×5, 5×10, 126, अपने से 24 की वैल्यू पूछी गई है तो 126×24, ऑप्शन भी देखते रहना। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है मैं कैलकुलेशन ना करके भी आपको समझा रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, यानी ले दे के आंसर क्या आएगा ये। बट अगर आपके क्वेश्चन में नन ऑफ दीज का आंसर है तो ये बेवकूफी मत करना, मल्टीप्लाई कर लो 24×6=144, 24×48=4, 52×10 62, 24×6=24, 6×30 यानी कितना आ गया भाई 3025। क्लियर, तो आई होप जो क्वेश्चन एकदम आपको खतरनाक सा दिख रहा था जिसमें एक्स वाई पता नहीं कौन सा वाई ले लिया आपने, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्या है भाई इतने में इसका काम तमाम। क्लियर, चलिए आते हैं अगले पे हम लोग। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा पेपर में आते हैं कि कोई बच्चा इतने नंबर पाया, इतने नंबर से फेल हो गया, इतना नंबर कम हो गया या इतना नंबर और पाता तो पास हो जाता है, यानी कुल मिला जुला के इसमें 3 चीजें पूछी जा सकती है। एक क्या पूछा जा सकता है हमसे, पासिंग मार्क्स, क्या पूछा जा सकता है भाई पासिंग मार्क्स। दूसरा क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स एंड द लास्ट वन इज पासिंग परसेंटेज। क्लियर है, आप बताओ मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में कितना होगा 100%। पासिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो आपको पता होगा आप सब लोग को भाई पासिंग परसेंटेज क्या होता है, जो भी पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स मुझे लिखना था, मैंने दोनों ऊपर नीचे लिख दिया, पासिंग मार्क्स ओवर मैक्सिमम मार्क्स, ये आपने बचपन में बड़े किए होंगे, into 100, ये क्या होता है पासिंग परसेंटेज। याद आ रहा जब आप लोग के मान लो नंबर आ जाए, कोई पूछता था भाई कितना परसेंटेज, आप क्या करते थे, सामने वाला बोलता था 100 से मल्टीप्लाई कर दे आंसर आ जाएगा, समझ में नहीं आता था कैसे आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। करा स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, कितने मार्क्स लाए भाई साहब? 25%। 38 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। यानी इस बच्चे के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 25%। ठीक है, बड़ी मेहनत की इसने, 38 नंबर से फेल हो गया। यानी 38 नंबर और मिल जाते तो ये भाई साहब पास हो जाते हैं, कोई बात नहीं। करा वाइल अनदर स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, दूसरा जो बचवा है उसको 40% मार्क्स मिला है और 7 नंबर इसको ज्यादा मिला है भाई, यानी इसको जो मिले हैं वो मिले हैं 40% और ये पासिंग से कितना ज्यादा है? 7 नंबर। ठीक है, करा मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा जा रहा, बस कहानी खत्म। इन दोनों के परसेंटेज में कितना गैप है? 15%। ठीक है, और इन दोनों के मार्क्स में कई बच्चा क्या करता है, इन्हीं दोनों को माइनस कर देता है। अरे बेवकूफ, माइनस नहीं करना है। एक 38 नंबर पीछे रह गया और एक 7 नंबर आगे चला गया, मतलब एक इधर पीछे एक इधर आगे है, तो गैप क्या हो गया? बढ़ गया। डिफरेंस मतलब ये नहीं होता है कि जो मिला उसको माइनस, ये 38 नंबर पीछे और ये 7 नंबर आगे है, तो कितना हो गया? 45। तो 1% की वैल्यू 3। आपसे क्या पूछा गया? मैक्सिमम मार्क्स, अभी हमने आपको बताया 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। समझ में आई बात? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा कैंडिडेट आंसर 55% ऑफ द क्वेश्चंस इन विच 58% आर राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बच्चा जो है वो 55% क्वेश्चन के आंसर देता है जिसमें से 58% क्या है भाई? सही है। करा हाउ मच परसेंटेज ही शुड आंसर रेस्ट क्वेश्चंस राइट सो दैट ही मे गेट 40% ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हालांकि मुझे प्रैक्टिस वाले में लेना था, बट कोई नहीं, यहाँ पे आ गया, यहीं पे मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ठीक है, समझे? करा उसको कितने नंबर लाने हैं भाई? ओवरऑल 40% लाना, 58% वो ला चुका है, समझ में आ रहा? ओवरऑल दिया हुआ है, इधर वाला भी दिया हुआ, इधर वाला पूछ रहा है, यानी क्या लगेगा इसमें? एलिगेशन, यानी उसने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें 58% भाई सही है। ठीक है, ओवरऑल चाहता है कि मेरा 40% हो जाए सही, तो यहाँ का पूछ रहा है बस, यह तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, आराम से सोचो, उसके बाद से देखो कि इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। बच्चे क्या होते हैं, मिल गया तुरंत मान लेंगे 100x, कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है। बात समझ में आ रही? कैसे इसको आसानी से सॉल्व करें? आप 5 सेकंड लगा दो यार सॉल्व करने में, सॉरी 5 सेकंड लगा दो सोचने में, देखने में। जब दिमाग की बत्ती जल जाए ना तब पेन उठाओ, और पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे इधर का पूछ रहा है, इधर कितना था भाई? 55%, ऑब्वियस ही बात है इधर क्या होगा? 45%, ये तो वैसे भी रेशियो होता है, उड़ा दो 11 और 9। ठीक है, चलो अगर इधर से आपको पता इधर कितना आ गया भाई? 18। इधर कितना होता है? 9। इधर क्या है? 11। अगर 9 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 2, 11 की वैल्यू 22। आपको पता है अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, 40 में से 22 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 18%। क्लियर? यानी आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें से अगर वो 18% सही कर देगा तो उसको 40% मिल जाएगा, उतने में वो खुश है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन को आपको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, ले अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? करा स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट सी गेट इन जर्मन। ये भी क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट वाइज है। एक बच्चे को 66 मार्क्स मिले हैं, किसमें भाई? 66 मार्क्स ज्यादा मिले हैं मोर इन फ्रेंच देन व्हाट इट गॉट इन जर्मन। यानी फ्रेंच का जो मार्क्स है वो 66 ज्यादा है किससे? जर्मन से। मैं वैसे लिख रहा हूं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन। यानी कह रहा है जो जर्मन का मार्क्स है वो 28% है भाई किसका? फ्रेंच प्लस जर्मन का।
ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, फ्रेंच का मार्क्स पूछा गया है। एक तो लड़की है उसको भाई, क्योंकि लड़के तो फ्रेंच पढ़ेंगे नहीं, कह रहा है कि स्टूडेंट गेट 66 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन इन जर्मन। ये हो गया 66 मार्क्स ज्यादा है जर्मन से, और जो जर्मन का मार्क्स है वो 28% ज्यादा है फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स से। देखो, एक तो दिमाग ही कह रहा होगा आपका कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, दूसरा भाई ये तो कर ही लोगे, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आसानी से कैसे हो। अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो जर्मन बाई फ्रेंच प्लस जर्मन, इसी इक्वेशन को क्या हो गया भाई, 28/100, 4 का टेबल सबको आता है, 7/25। यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू। ठीक है, जर्मन के सामने कितना दिख रहा है भाई, 7 यूनिट, और फ्रेंच और जर्मन के सामने कितना दिख रहा है, 25। यानी जर्मन के सामने अगर 7 होगा तो डेफिनेटली फ्रेंच के सामने कितना होगा भाई, 18, तब तो 25 बनेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां पे देखो तो फ्रेंच जो है वो जर्मन से कितना ज्यादा है भाई, 11, और इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, आप देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फ्रेंच है वो जर्मन से 66 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई, 66, तो 1 की वैल्यू 6। आपसे क्या पूछा गया है, फ्रेंच का मार्क, तो 18 × 6 यानी कितना हो गया, वो हुआ 108। समझ में आई बात, तो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी अगर ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो इसको लिखने का कोनो फायदा नहीं था, बस इसको लिखना था, उससे वहां से सोचना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, मजा आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करें ताकि अगला वीडियो बनाने का मेरा भी मन करे। अब आगे आपका पसंदीदा टॉपिक जिसमें आप लोग बड़ा रोते हैं, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वैसे मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग पास जितने भी क्वेश्चन हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, आप चाहें तो उसको शेयर करें एज अ डाउट्स, और उन सारे क्वेश्चंस को मैं आने वाले टाइम में, जैसे अभी आप सब लोग कहीं ना कहीं से मॉक दे रहे होंगे, जो भी बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के बाद से आपका अगस्त से सारे पेपर ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं। अगस्त में आपका आरआरबी पीओ आएगा, फिर आपका आरआरबी क्लर्क आना है, फिर आपका आईबीपीएस आना है, फिर एसबीआई आना है, यानी ये तो लाइन लगा रहेगा, बीच में एसएससी भी आएगा, कुछ स्टेट के भी एग्जाम आएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं, मेरा यूट्यूब का मेन पर्पज ये है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे आप देखते होंगे कि पेपर में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, 22 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भाई ये सॉल्व होता है तभी तो दे रहा है, तो आपको वहीं से सीखना, आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन करके क्या कर लिए। समझ में आ रही बात, तो आपके मन में किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन का डाउट्स है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में दें, मैं आने वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके लिए एक अलग से सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए। चलिए, अगर मैं बात करूं प्राइस और कंजम्पशन पे, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, प्राइस का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज का रेट। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, क्लियर। और एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो कितना अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं, बस। ये डेली में खरीदते हैं आप लोग आलू प्याज सब्जी सब तो खरीदते होंगे, तो आपको पता होगा कि जब भी आप प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या भाई, एक्सपेंडिचर। बस जो वैल्यू पता हो लिखना है, जो नहीं पता हो उसको नहीं लिखना है, बस इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पता है वो लिखना है, जो नहीं पता है वो नहीं लिखना है। ठीक है, बस इसी से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको मैं तरीका बताता हूं कैसे। हाँ, ये चीज जरूर याद रखनी है कि रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, अमाउंट। ठीक है, अगर मैं रेट पूछूं तो क्या करोगे आप, अमाउंट बाई क्वांटिटी, अगर मैं क्वांटिटी पूछूं तो क्या करोगे, अमाउंट बाय रेट। ये तो डेली लाइफ में करते हो यार, 20 रुपए दर्जन कोई चीज है, 5 दर्जन का कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपए। ये तो हम रोज करते हैं, बस इसी क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, करा द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%, यानी मार्केट में आपको पता है कि चीजों का प्राइस क्या होता है, बढ़ता रहता है, तो प्राइस कितना बढ़ गया भाई, 36%, किसी चीज का प्राइस 36% बढ़ गया। ठीक है, एंड क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाई 30%। अब वो क्या किया, जब प्राइस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं परचेजिंग अपना क्या करेंगे, कम करेंगे, या तो अपना खर्चा बढ़ाइए
या कहीं ना कहीं अपनी कंजम्पशन को क्या करिए, कम करिए। अब आपसे पूछ रहा है कि उसके अमाउंट में कितने परसेंट का फर्क पड़ा, तो हमने क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ गया भाई, 136/100। कंजम्पशन कितना कम हो गया, 30% यानी 70/100, बस हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई को क्या करता है कि जैसे ही जीरो से जीरो तो काट दिया, अब मन मानेगा नहीं, दो का या चार का टेबल आता पक से इसको काट देगा। भाई काटने का मतलब बेवकूफी है, सारा टाइम वेस्टेज है। नीचे 100 रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चार से काट लोगे, देखो क्या कष्ट होगा। चार तीन 12 4 4 16 34 तो मैं भी कर दूंगा, 34 को 7 से मल्टीप्लाई करने में कष्ट, फिर 25 से कंपेयर करने में कष्ट, इसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 7 6 42 7 3 21 7 5 7 9 952 हो गया, 13 7 91 7 6 42, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, 1000, ठीक है। अगर हम इस जीरो को कटा दें तो ये क्या हो गया भाई, 95.2, बस आंसर आ गया। नहीं बुझे कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हो 95.2/100। 100 से कितना हुआ भाई, 95.2, कितना कम हो गया, 4.8%। समझ में आई बात, तो हमेशा 100 को नीचे बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, चले अगले प्रश्न पे। का है क्वेश्चन, करा द प्राइस ऑफ सुगर इज रिड्यूस बाय 25%, यानी प्राइस कितना रिड्यूस हो गया भाई, 25%, ठीक है। करा डिक्रीज आयुष एंग्स ऑफ इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन सुगर बाय 20%, ठीक है। क्या किया, देखो प्राइस लिखना है आपको, कंजम्पशन भी लिखना है, इक्वल टू का लिखना है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। करा द प्राइस ऑफ सुगर रिड्यूस बाय, यानी कितना हो गया भाई, 75/100, ठीक है। आयुष एंड्स ऑफ इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा बढ़ा दिया, समझे, कैसा आदमी है, एकदम चालू टाइप का, देख रहा है कि सामान सस्ता हुआ तो और खरीद लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, प्राइस तो कम हो रहा है, तो कई लोग क्या कहते हैं, प्राइस कम होता चलो भाई कम ही ले लेते हैं, ये नहीं कर रहा, ये कह रहा प्राइस कम हुआ तो एकदम और खरीद लो, घर के भर लो, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है उसका क्या हो गया भाई, 20% बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 120/100 कर दिया, क्लियर। आपसे पूछ कर रहा है कंजप्शन, अब कई लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देंगे 100, ऊपर 100 माइनस, कुछ नहीं लिखना है भाई, बस कंजम्पशन को लिख दो सी, बस ये पूछ रहा है। ई 100 से 100 उड़ गया, सी इक्वल टू क्या आ गया भाई, 120/75, मन करे तो इसको काट दो, 15 8 120 15 5 75। आप सब लोग को पता है कि 5 से वैल्यू कितना हो रही है, 8, अगर 5 से वैल्यू 8 होगी तो कितनी बढ़ गई भाई, 3, किससे, 5 से इनटू 100, मतलब कितना हो गया, 60%, यानी जो उसका कंजम्पशन बढ़ा है वो कितना बढ़ गया है, 60%, क्लियर। तो ये समझ में आ रहा है प्राइस कंजम्पशन, जो आप लोग की बड़े दिन की समस्या थी कि प्राइस कंजम्पशन क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है, तो आई थिंक अभी 3-4 क्वेश्चन करने के बाद, इसके बाद भी अगर दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि कोई मॉक में बड़ा गंदा क्वेश्चन आ गया था, प्रीवियस में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, आप सारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भेजिए। मैं आने वाला जो परसेंटेज का वीडियो होगा या मैं आपके डाउट्स का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, कितना बढ़ गया भाई प्राइस, 32%, अब पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली 10%। अब हो क्या रहा भाई कि प्राइस तो बढ़ा, तो अब है क्या कि प्राइस बढ़ेगा तो आप एकदम उतना ही खर्चा तो कम करेंगे नहीं, या कंजम्पशन उतना कम करेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हिम्मत दिखा के थोड़ा बहुत तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है कि अगर मैं बात करूं प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर, तो प्राइस कितना बढ़ गया भाई, 32%, यानी कितना हो गया, 132/100। कंजम्पशन के बारे में कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वैल्यू को नहीं यूज करना है कि वो कितना खरीदारी है, सब बाद की चीज है, बस परसेंटेज में डील करो। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया, यानी 110/100। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 100 से 100 भाई कट गया,
तो जो सी की वैल्यू आ रही है वो 110 बटे 132, 11 का अगर टेबल आता है या 22 का, तो 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, क्लियर। यानी जो कंजम्पशन मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 5/6। यानी पहले जो है ये हमेशा डिनोमिनेटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी ओल्ड होगी, और जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो क्या होगी न्यू होगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है इफ ही होना चाहिए, ही कंज्यूम्स 150 केजी ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, देन हाउ मच पल्स वाज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली। इनिशियली का मतलब कौन सा कंजम्पशन आपसे पूछा जा रहा है भाई, ओल्ड कंजम्पशन पूछा जा रहा है, यानी ये वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितना है 150, तो 1 की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/18, यानी कितना हो जाएगा आपका 180 केजी, जो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा भाई, समझ में आ रहा हो तो दूसरे का भी भला करिए जैसे हम आपका कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%, सरकार क्या कर रही है 10% शुगर का प्राइस कम कर दी, आप मजे से चाय चोई पीजिए। बाई दिस अ कंज्यूमर कैन बाई 6.2 केजी मोर शुगर फॉर रुपीज इतना रिड्यूस प्राइस, यानी कुछ भी और नहीं दिया, मतलब ये कह रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक्सपेंडिचर का कहीं कोनो जिक्र नहीं किया है। तो अगर मैं इसको लिखूं प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अभी तक आपको क्वेश्चन में समझ में आया कि जो वैल्यू क्वेश्चन के है ना उसको नहीं यूज करना भाई, ये लास्ट में आएगा सारा का सारा वैल्यू, क्लियर है ठीक है। तो प्राइस कितना बड़े कम हुआ भाई 90/100, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी पहले भी वो 837 रुपए खर्च कर रहा होगा आप भी, तो सबसे पहले तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, क्लियर। यहां से मैं अगर कंजम्पशन की बात करूं, अगर ये मैं 0 से 0 उड़ा दूं तो 10/9, यानी पहले वो ओल्ड कंजम्पशन और ये क्या हो जाएगा भाई न्यू कंजम्पशन, ठीक है। 9 क्या था आपका ओल्ड कंजम्पशन, 10 क्या है आपका न्यू कंजम्पशन। अब अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू से क्या करना है कंपेयर, तो आप देखो कि ये ओल्ड है या न्यू है, तो कंजम्पशन कितना यूनिट चेंज हो गया 1 यूनिट, क्वेश्चन में कितना चेंज हो गया भाई 6.2 केजी, यानी 1 की वैल्यू 6.2 केजी, अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू से क्या करना है कंपेयर करना है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 6.2 केजी। आपसे क्या पूछा गया रिड्यूस प्राइस पर केजी, रिड्यूस का मतलब नया वाला, तो नया वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा 62 केजी। अगर आपसे पुराना क्वांटिटी पूछा जाता तो 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी अब समझना है, यहां तक तो हमने अलग सॉल्व किया था, अब अपनी वैल्यू से हम क्वेश्चन की वैल्यू में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 6.2 केजी, तो 10 की वैल्यू 62 केजी, यानी वो बंदा 62 केजी खरीद के ला रहा है कितने रुपये में भाई 837 रुपये में, यही दिया हुआ है 837 रुपये में वो 62 केजी खरीद के ला रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है रेट, तो रेट का मतलब अमाउंट बाई क्वांटिटी, क्लियर। ठीक है, 837 को किससे डिवाइड करना था 62 से, तो 31 दूनी 62 एक है, तो लास्ट में क्या आना आपका 7, तो 7 एकम 7 7 3 21, अगर मैं 27 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आ जाएगा 13.5 रुपीज पर केजी, और ये मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया भाई सी ऑप्शन, क्लियर। चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट टाइप है, 6 टाइप में थोड़ा सा आपको करा चुका हूं, नेक्स्ट टाइप अभी हम 5 से 10 मिनट के ब्रेक पे करते हैं, ठीक है भाई। चलिए ब्रेक के बाद आप लोग का फिर से स्वागत है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह आप लोग का हो गया, बस आधा और बचा हुआ है, इसको फटाफट निपटाते हैं, 20 से 25 मिनट और लग रहे हैं, कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या दिया हुआ आपका,
ब्रेक के बाद का पहला कॉन्सेप्ट वैसे आपका सेवन कॉन्सेप्ट, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं इसको। आप सब लोग को पता होगा कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, सेविंग, और इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनकम कुछ परसेंट बढ़ गई है, बढ़ गई। अभी तक आप लोग क्वेश्चन इसको 100 वैल्यू एज्यूम करके करते थे, आज मैं आप इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगर अ पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम, इनकम इंक्रीज बाय 20%, स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, यानी अभी भी वो उतने ही पैसे सेव कर रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, क्लियर है। अब देखिए एक तरीका क्या है कि मैंने मान लिया भाई इधर लिख लिया इनकम, इधर लिख लिया एक्सपेंडिचर, इधर लिख लिया सेविंग, और ये मान लिया पहले की वैल्यू क्या थी। 100 से शुरू कर लेते हैं कि मान लो पहले इनकम क्या थी, 100 रुपया, कितना बचा रहा भाई, 25, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 75। कह रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी जो नया इनकम है वो कितना हो गया भाई, 120%, ठीक है। स्टिल सेव, अभी भी वो 25 रुपया सेव कर रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 95। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है कि मान लो उसकी इनकम पहले थी 100 रुपये, बचाया कितना 25, तो खर्चा कितना 75, नई इनकम 20% बढ़ गई, यानी कितना हो गया 120। एक्सपेंडिचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि सेविंग सेम है यानी 25 से 25, तो 120 में से अगर मैं 25 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 95। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर पे कितने का फर्क पड़ा, तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था भाई, 75, अगला एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 95, कितने का फर्क पड़ा, 20 का, किस से, 75 से इंटू 100, 25 4 25 3, 80/3, इसको अगर हम करते हैं 26 78, यानी 26 2/3%, ये हो गया बेसिक आपका। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्लियर है कि हमने इनकम माना, एक्सपेंडिचर माना, सेविंग माना। दूसरा है क्या कि अगर आप लोग इसको सोच पाए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप बच्चों का बेसिक्स थोड़ा बहुत क्लियर होगा, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलके ही तो इनकम बनता है भाई। एक्सपेंडिचर और सेविंग को मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, इनकम। यानी एक लॉजिक क्लिक हो रहा है कि ये एलिगेशन पे भी तो जा सकता है, लगा के देखते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, कह रहा है कि अ पर्सन कैन सेव 25%, यानी 25% उसने कितना कर लिया भाई, सेव कर लिया, क्लियर है। इफ इज सेविंग 25% वो सेव कर रहा है, इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड स्टिल ही सेव द सेम अमाउंट, यानी पहले वो कितना कर रहा था भाई, 25%, द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो अब देखो यहां पे अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो देखो इसको कैसे करना है, अगर मैं लिखूं यहां पे एक्सपेंडिचर और यहां पे लिखूं मैं सेविंग, तो सेविंग में उसके कोई चेंजेज नहीं हो रहा, ये बात समझ में आ रही है। जो उसकी सेविंग है वो कह रहा है कि ही सेव द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब उसके सेविंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी सेविंग क्या हो जाएगा, चेंज 0%, क्लियर। एक्सपेंडिचर आपसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज, यानी एक्सपेंडिचर का चेंज पूछा गया है, और आपको अभी मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के जो चेंज होगा वो किसका होगा, इनकम का। इनकम में चेंजेस कितने का हो गया भाई, 20% का। यहां तक समझ में आ रही है सबको बात, चलो अब आते हैं इनिशियल वैल्यू फिल करने पे। तो एक बंदा जो है वो 25% खर्च कर दिया, यानी कहीं अगर उसकी इनकम 100 रुपये रहेगी तो उसमें से 25 क्या कर लिया, उसने सेव कर लिया, तो खर्च कितना होगा, 75। इसका हम रेशियो बना सकते हैं, ये 3 और 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है 20 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 20। यही रेशियो यहां आता है, तो 3 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 20/3, क्लियर है। अब आपको ये निकालना है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी। तो इसके साथ मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा,
तो 20 + 20/3 यानी 20 तिहाई 60, 60 बीस 80/3 यानी 26 2/3%। तो आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन हमने किससे सॉल्व कर लिया, एलिगेशन से। ये आपके लिए भी नया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिक के कंपेयर में थोड़ा सा आपका टाइम ये बचाएगा। क्लियर कैसे करना है, एक साइड एक्सपेंडिचर, एक साइड सेविंग, बीच में इनकम। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं खूबसूरत से। Spends 87.5% of income. Income increased by 11.19%. His expenditure increases by 14.28%. Then find his current saving percentage. अब समय ना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसलिए मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में क्या था, चेंजेज। मैंने एलिगेशन कब बताया था, जब वैल्यू क्या हो, चेंज पूछे कि सेविंग परसेंटेज में कितने का चेंज हुआ। यहां क्या कह रहा है, करेंट सेविंग परसेंटेज मतलब इनकम का सेविंग कितना परसेंट है, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज हुआ ही नहीं पूछा है। अगर ये आपसे पूछता परसेंटेज चेंज, तब हम इसको डेफिनेटली किस पे लेके जाते हैं, एलिगेशन पे। अब आपको इसको भी फिर से कैसे करना पड़ेगा, जो आप बेसिक कर रहे थे, करा साहिल स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम, यानी अगर उसकी इनकम ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग, करा 87.5 यानी 7/8, तो मैं इनकम को कितना मान लूंगा भाई 800, उसका खर्चा कितना है 700, तो उसका सेविंग कितना होगा 100। ये वैल्यू मानने का रीजन आपको पता होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 7/8, परसेंट का क्वेश्चन है तो सामने लगा रहेगा जीरो, तो कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। आगे क्या कह रहा है, इनकम इंक्रीज बाई 11.19%। 11 1/9 का मतलब भाई 1/9 इंक्रीज, तो 1/9 इंक्रीज का मतलब 10/9, तो जो नई इनकम होगी वो हो जाएगी 8000/9। क्लियर है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख लिया। कह रहा उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया 14.28 का मतलब 1/7, अगर मैं इसको 1/7 बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 8/7, 7 से 7 कट गया यानी कितना हो गया भाई 800। आपका इनकम कितना है 8000/9, एक्सपेंडिचर कितना है 800, आपसे पूछा जा रहा सेविंग। दो तरीका है, क्वेश्चन यहीं पे है, इनसे वैल्यू से तो काम खत्म। तो आपका मन करे, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि अगर ये 9 हटाने का मन करे तो इसको भी 9 से और इसको भी 9 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया भाई 8000, ये कितना हो गया 7200, तो उसका सेविंग कितना हो गया 800। समझ में आई बात। अब कह रहा है कि सेविंग जो है वो करंट का कितना परसेंट है, तो 800, अब देख के पता चल रहा होगा भाई 8000 का कितना परसेंट है 10%। समझ में आई बात। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें मैंने टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला मैंने आपको बताया एलिगेशन से, दूसरा एलिगेशन क्यों नहीं लगेगा ये भी बात समझ में आ गई, अब तीसरा और अच्छा देखते हैं। अब देखिए ये है क्वेश्चन का, द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 43,000, यानी ए और बी की मिला के जो सैलरी है वो है 43,000। ए खर्च करता है 95%, बी खर्च करता है 80%। इफ देयर सेविंग आर द सेम, व्हाट इज ए सैलरी। मैं कह रहा हूं इतना मस्त क्वेश्चन है ना, कि अगर आप इसको सोचिए एक बार क्या दिमाग में आ रहा है आपका, आपको आएगा कि दोनों को मिला के 43,000, तो ए का मान लिए एक्स, क्योंकि एक्स पहले ही दिमाग में आती है आता है, तो बी का 43,000 माइनस एक्स, दोनों का एक का इतना खर्चा, एक का इतना खर्चा। भाई कुछ नहीं करना, एक बार और पढ़ो कि क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे लाया जाए। दिया क्या है, दोनों की मिला के इनकम दे दिया, इसका भी खर्चा दे दिया, इसका भी खर्चा गया। एक पॉइंट क्या कर दिया, दोनों की सेविंग को बराबर, बस काम तमाम। ए का जो सेविंग है वो कितना भाई 95% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 5%, ई हो गया ए का सेविंग। बी कितना खर्च कर रहा है भाई 80%, तो बचाएगा कितना 20%। ठीक है, अब इसको एकदम उड़ा दो रॉकेट की स्पीड से, 100 से 100 गया। ए बटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाओ 4/1। ए के हिस्से अगर 4 यूनिट इनकम है तो बी के हिस्से 1 यूनिट, दोनों के हिस्से मिला के कितना
पांच यूनिट जिसकी वैल्यू कितनी है 43,000। तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, 5 और 46 5 6 यानी बी का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 8600। किससे पूछा गया है, ए का, तो ए का कितना है भाई 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 और 4 6 24, तो 3202 34,400। चाहे इसे कर दो या 43,000 में से 8,600 को क्या कर दो माइनस, दोनों तरीका है। तब आपको समझ में आया इनकम एक्सपेंडिचर की 3 वैरायटी मैंने बताई और तीनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे थे, तीनों का अलग अलग तरीका मैंने बताया। हाँ, बस ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ ना आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला टाइप पे आते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक बंदे की इनकम इतनी थी, एक बंदे की इनकम इतनी थी, उतना उसने एक्सपेंडिचर सॉरी इतना उसने खर्च कर दिया अपने एंटरटेनमेंट पे, इतना एजुकेशन पे, इतना रेंट पे। इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्या होता है, सारा खर्चा दे देगा। एक क्या होता है कि बार बार रिमेनिंग देता है। और एक क्या होगा, कुछ खर्चा इधर कर देगा, कुछ खर्चा इधर कर देगा। इन तीनों के अलावा कोई भी चौथी वैरायटी नहीं होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या मिलता है आगे। करा मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन ट्रेवलिंग, यानी ट्रेवलिंग करने में, घूमने वाला बंदा है भाई, घूमने फिरने में 5% खर्च कर दिया। 20% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का रेस्ट कहां खर्च कर दिया, खाने पे, और 120 रुपया वो डोनेट कर दिया। बचा उसके पास कितना 1400 रुपए। एक है कि आप पहले ही वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, एक है कि क्वेश्चन को पढ़िए। 5% अगर मैं खर्च कर दूंगा तो बचेगा कितना, सॉरी 95%। फिर से वो बचे 20% किस पे खर्च कर दिया, रेस्ट का। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होती है 100%। अगर वो फिर से 20% खर्च करेगा तो 80% बचेगा, 75 मत कर देना, 80% बचेगा बचे हुए का। इसमें से 120 रुपया वो डोनेट किया है, 1400 रुपया बचा लिया। यानी अगर मुझे क्वेश्चन करना होगा तो इसको हम एक लाइन में कैसे करेंगे, उसकी इनकम मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी मान लिया। 5% खर्च कर दिया तो कितना बचा भाई 95%। फिर जो बच गया उसमें से 20%, क्योंकि बोला हुआ है 20% ऑफ द रेस्ट, तो बचा कितना भाई 80%। इसके वो दो हिस्से कर रहा है, 120 रुपया डोनेट कर रहा है और 1400 रुपया सेव कर रहा है। यानी बचा कितना उसके पास 1520 भाई, 1520 बचा था, उसमें से 120 रुपया डोनेट कर दिया, 1400 बचा लिया। तो हम 1500, हमें क्या करना है भाई, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये 500 हो गया 19, और ये 400 हो गया आपका 25, ठीक है। इसके बाद से और उड़ा दीजिए, 19 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, 19 अट्ठे 152, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी उसकी इनकम जो है वो कितनी हो गई 2000। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, करा मिस्टर मोरे स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, यानी 20% वो कहाँ खर्च कर दिए भाई खाने पे, और 15% चिल्ड्रेन एजुकेशन। ये सारी बात एक लाइन में बोली गई है, यानी 20% एंड 15%, यानी कितना खर्च कर दिया भाई वो 35%। समझ में आ रही है, 20% प्लस 15% यानी कितना खर्च कर दिया वो 35% खर्च कर चुका है। करा ऑफ द रिमेनिंग, फिर से जो बच गया उसमें से 40% फिर एंड बोला है, यानी फिर से कितना खर्च कर दिया वो 70% किसका, बचे हुए का। ये बात समझ में आ रही है, पहले कितना खर्च किया 20 और 15 यानी कितना 35%, फिर जो बच गया उसका 70% खर्च कर दिया। अब कह रहा है उसके पास फाइनली कितना बच गया भाई 8775। तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी इनकम कितनी थी, इसको भी घुमाते हैं उसी तरीके से। हम मान लेते हैं उसकी इनकम कुछ थी, हमें नहीं पता, आप कुछ भी ले लो, आपका मन करता आप एक्स ले लो। 20% और 15% यानी 35% पहले पार्ट में खर्च कर दिया, तो मैंने बताया इसको रिमेनिंग पे ले जाते हैं, तो बचाया कितना भाई 65%, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऑफ द रिमेनिंग 40% और 30% खर्च कर दिया, तो फिर बच खर्च कितना किया 70, तो बचा कितना भाई 30%। इसी बचे हुए की जो वैल्यू है वो दी गई है 8775, बस इसको काट के उड़ा दीजिए,
जीरो से भाई जीरो कट गया, तीन से 29 तिया 87, 25 तिया 75, 5 से 13, 5 20, 13 से पक्का कटेगा नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, 13 दूनी 26, 3 दो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 20 को उधर ले जाके क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 225 का डबल 4000 और 10E और 10E, यानी उसकी टोटल जो इनकम थी वो कितनी थी भाई, नन ऑफ दीज यानी 45,000। क्लियर? तो आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या था कि दो पार्ट में इनकम को ब्रेक कर रहा था, उसको हमने एक पार्ट में कर लिया। क्लियर? चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स, किसी लाइब्रेरी में भाई 20% जो बुक्स हैं वो किस पे है, हिंदी पे, 50% ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान रखिएगा फिर से वर्ड क्या आ गया, रिमेनिंग, 50% ऑफ रिमेनिंग जो है वो किस में है, इंग्लिश में है, फिर आ गया 30% ऑफ द रिमेनिंग किस में है भाई, फ्रेंच में, फिर रिमेनिंग, यानी बार बार रिमेनिंग वर्ड हो रहा था। तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा कैसे, मान लीजिए बुक कुछ थी एक्स, तो 20% निकल गई तो बची कितनी भाई, 80%, फिर 50%, तो यहाँ 50 निकाल के 30 मत कर देना भाई, ये वैल्यू अपने आप में क्या है, 100%, तो 50% निकल गई तो कितना बची, 50%, फिर से कितना निकल गई, 30%, तो कितना बची, 70%, आई सब का बचा हुआ जो है वो कितना है भाई, 6300। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना था, तो उड़ाइए 1 2 3 4 5 6, 5 का टेबल आता है, 5 2 2 4 4 25, इधर आते हैं 7 9 25, 225, 225,000, यानी 22,500 टोटल बुक्स थी लाइब्रेरी में। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं इसमें भी हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन लिए कि कैसे कैसे इनकम को या वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अगला टाइप पे आते हैं, अगला दिया हुआ परसेंटेज ब्रेकिंग, ये बड़ी मजेदार चीज है, जहां एलिगेशन भी काम नहीं आता ना वहां परसेंटेज को तोड़ दीजिए, इसको बोला जाता है जोड़ी ब्रेकर, मतलब जोड़ी को क्या कर दीजिए आप, तोड़ दीजिए और एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन इसके टकराएंगे आपको प्रॉफिट लॉस में भी, कि जैसे एक सामान मैंने 10% पे बेचा प्रॉफिट पे, एक 12% पे बेचा, ओवरऑल इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, एक तो है कि एलिगेशन लगेगा 10%, 20%, 12%, और एक है कि परसेंटेज को तोड़ दीजिए, ठीक है, तो वहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे तोड़ते हैं। चलिए करा, कहीं की पॉपुलेशन जो थी वो किसी विलेज की वो कितनी थी भाई, 5,000, करा मेल बढ़ गया 10%, अब फीमेल बढ़ गई 15%, ओवरऑल पॉपुलेशन कितना हो गया भाई, 5600। देखिए ये एलिगेशन से जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में अड़ा देगा आपको, तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज ब्रेकिंग। देखिए जैसे मेल कितने बढ़ गए भाई, 10%, फीमेल 15%, और 5000 से जो पॉपुलेशन है वो कितना हो गया, 5600, यानी पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, 600। ये बात समझ में आ रहा सबको, जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो बढ़ा है 600। ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि ये 10% है तो इसको भी तोड़ दीजिए, अगर ये भी 10% हो जाए और ये भी 10% हो जाए और साथ में इसका 5% हो जाए, तो आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो मेल और फीमेल मिला के ना पॉपुलेशन बना रहा है, तो पॉपुलेशन का 10% बढ़ा तो 5000 का 10% में तो कितना हुआ, 500, यहाँ कितना वैल्यू बढ़ा है, 600। तो बाकी जो 100 है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, बाकी जो 100 है वो क्या है, फीमेल के 5% की वैल्यू है, अगर 5% की वैल्यू 100 हो गया तो 1% की वैल्यू 20, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2000, यानी अगर फीमेल 2000 होंगी तो मेल कितने होंगे, 3000। ये क्वेश्चन है विदाउट पेन कॉपी, कैसे, 10% 15%, 5000 का 10% 500, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 100, 5% की वैल्यू 100 तो 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू 2000, तो फीमेल बढ़ी 2000, तो मेल कितना बढ़ गए, 3000। समझ में आई बात, तो इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज ब्रेकिंग या जोड़ी ब्रेकिंग। अगला प्रश्न लेते हैं, इसी पे है,
चाहे तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800, कितना था पॉपुलेशन भाई 9800, जो मेल बढ़े हैं वो कितने बढ़े हैं 8%, फीमेल कितनी बढ़ी है 5%, मेल कितने बढ़े 8%, फीमेल कितनी बढ़ी 5%, और पॉपुलेशन कितना हो गया 10458, यानी पॉपुलेशन बढ़ गया कितना भाई 658। ठीक है, इधर लिख लीजिए फीमेल, इधर लिख लीजिए मेल, तो फीमेल कितना है 5% और मेल कितना है 8%, किसको तोड़ेंगे मेल को, समझ में आ रही बात, इसको मैं लिखूंगा 5%। अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो 5% जो है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ा है भाई, मेल कितने थे 8%, इसको अगर मैं लिखूंगा 5% प्लस 3%, तो ये 3% तो मेल का अकेले का है, ये किसका है पॉपुलेशन का है, तो 9800 का 5% जो होगा, तो 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40, यानी कितना हो गया भाई 490। यहां टोटल कितना बढ़ा है 168 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 168 क्या है भाई मेल के 3% की वैल्यू है, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, फीमेल बढ़ी 5%, मेल बढ़े 8%, तो मेल के 8% को तोड़ दिया 5 और 3 में। तो आप बताइए 5% फीमेल बढ़ रही है, अब 5% मेल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पॉपुलेशन 5% बढ़ा। तो अगर हम 9800 का 5% बढ़ाते हैं तो वो कितना आ रहा है भाई 490, लेकिन यहाँ क्या हुआ है पूरा पॉपुलेशन कितना बढ़ा है 658, यानी 168 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 168 जो एक्स्ट्रा आ रहा है 168 वो क्या है 3% की वैल्यू है या नहीं है, किसकी मेल की, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 56, तो 100% की वैल्यू 5600 का पूछा गया है नंबर ऑफ मेल कितना हो जाएगा 5600, समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए अगला टाइप पे आते हैं हम लोग, तो हो गया। चलिए इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में कम आ रहे हैं, फिर भी एक टाइप है तो आप करना। देखिए इलेक्शन बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एकदम बेसिक ही होता है क्वेश्चन, इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, जैसे आपको पता होगा किसी शहर की कोई ना कोई क्या होती है पॉपुलेशन होती है, ये बात समझ में आ रही है, इसी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ क्या होता है भाई वोटर लिस्ट होता है, कुछ लोग का नाम होता है कुछ लोग का नहीं होता है, जैसे आप में से जो लोग नाबालिग होंगे उनका नाम नहीं होगा, इसी वोटर लिस्ट में कई गो ऐसे होते हैं जो वोटे नहीं डालते हैं, तो एक हो जाएगा कास्टेड वोट और एक हो जाएगा एकदम सुत्ता हुआ वोट, यानी डिड नॉट कास्टेड, जो लोग वोट डालेंगे उसी में तो भाई वैलिड और इनवैलिड बनेगा, यानी एक बनेगा वैलिड तो दूसरा आपका क्या बनेगा इनवैलिड, समझ में आ रही बात, वैलिड इनवैलिड बन गया, अब जो वैलिड वोट है उसी में तो आएगा जीत और हार, यानी विनर और लूजर, समझ में आ रही बात, अब जो विनर और लूजर है इसी के बीच में क्या आएगा आपका मार्जिन। ये मैक्सिमम पैटर्न हमने आपको बताया कि इतनी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्शन बेस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हर वैल्यू अपने आप में क्या होगी भाई 100% होगी, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कहां से शुरू कर रहा, हर क्वेश्चन में ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है भाई, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स हैं, यो ध्यान रखिएगा हमेशा दो ये कैंडिडेट देगा, रवि एंड अमित 11.11 वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी क्या किए भाई इन द, ठीक है 11.11 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, यानी 1/9 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, कह रहा है कि द विनर जो है वो 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी जो विनर है वो टोटल का वैलिड का कितना पाया 60%, तो जो हारने वाला होगा वैलिड फिर से 100 उसका कितना पाएगा भाई 40%, तो जीता कितने से 20% से, टोटल का नहीं वैलिड का, कह रहा है नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो बस एक लाइन में उड़ा दीजिए, मान लीजिए ये हो गया वोटिंग लिस्ट, ठीक है, इसमें से 11.11 यानी 1/9 ने वोट नहीं डाला था, अब बताइए विनर चाहे लूजर को तो वह वोट मिलेगा ना जो डाला गया है, तो 1/9 ने अगर वोट नहीं डाला तो कितने ने डाला,
8/9। अब जो 8/9 लोग वोट डाले हैं उसमें से इसको मिला है 60%। तो दूसरी बात होगी कि जो दूसरा वाला होगा उसको कितना मिलेगा भाई, 40%। तो ये कितने परसेंट से जीत गया, एक को मिला 60% और एक को मिला 40%, तो पक्का 20% से जीता है। तो इसका 20% इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, 7000। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है वोटर्स एंड ओन बाई 7000 वोट। आपसे पूछा होगा टोटल वैल्यू, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा, 5। इसमें कुछ ना कुछ चीज मिसिंग लग रहा है हमको क्वेश्चन में। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि एंड अमित, 11 वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द विनर गॉट, इसमें कोई चीज मिसिंग है, एक पार्ट यहाँ पे ना मिसिंग है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि यहां से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1/5 या 8/9, 8 से वैल्यू अच्छा नहीं, नहीं हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं, 8 से वैल्यू कटनी ही कटनी है। ठीक है, तो अगला जो वोटर लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 8 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 125 और 7, 875। अब आपको क्या कर लेना है, 9×5×875। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 5, 9, 45, 8×64, 64×6×0×8×56, 4×0×8×45, 9×45। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं देखिए तो ये वैल्यू यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 5 आएगा। और इसमें किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 नहीं है। ये हमें पहले ही फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो वैलिड वाला जो पॉइंट है वो मिस है कोई ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। सॉरी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% वोटर्स कास्टेड देयर वोट, 75% लोगों ने अपना वोट डाला, 2% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% क्या हो गया भाई, इनवैलिड हो गया। यानी वैलिड कितने होंगे, 73, मत कर देना 98%। एक कैंडिडेट को मिला 9261 वोट्स विच वाज 75% ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। तो हम मान लेते हैं कि ये हो गए हमारे वोटर्स, इसमें से 75% लोगों ने वोट डाला, तो ये जो भी आएगा वो क्या आएगा भाई, कास्टेड। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से जो कास्टेड होगा उसमें से इनवैलिड कितना हो गया भाई, 2%, तो वैलिड कितना आएगा, 98%। यानी ये पूरी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है भाई, वैलिड है। इसको अगर मैं एक्स मान लू तो कह रहा है एक विनर जो है उसको मिला है 9261 वोट्स, कितना वोट मिला है भाई, 9261 वोट्स विच वाज, इधर गया, 75% ऑफ वैलिड। ये क्या था, वैलिड इसका 75% था। बस इसी को सॉल्व करना है, जो एक्स की वैल्यू आएगी वहीं क्या आ जाएगा आपका वोटर लिस्ट में नाम। देखते हैं, उड़ाते हैं इसको थोड़ा सा एकदम, 25, 3, 25, 4, 25, 3, 25, 4, 3×9, 9×1=9, 9×2=18, 9×9=81। अब बच गया आपका 3, तो चला गया। ठीक है, इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 49। ठीक है, अगर इससे इसको काटते हैं तो 49×98 और 2×2=49, 49×1=49। बस यही है, मल्टीप्लाई कर दिए, 4×2=8, 8×1=8, 8×2=16, 2 0 लगा दिए, यानी टोटल जो थे वो कितने थे भाई, 16800। कटिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए तभी टाइम बचेगा, और उसके लिए टेबल आप लोग को भाई आना चाहिए। टेबल का कोई शॉर्टकट नहीं है, फालतू के वीडियो देखना छोड़ दो कि बिना टेबल के कैसे निकले, 20 तक टेबल ना याद हो, स्क्वायर ना भाई, इसके बिना कोई सलूशन नहीं है, सब बवाल की बातें हैं। ठीक है, निकलेगा उसी का जिसको टेबल फटाफट कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, अगला पे आते हैं।
करा एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट 68 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन था ना उसमें क्या था कि वैलिड या इनवैलिड जो था वो परसेंटेज में होता था, यहाँ क्या है भाई वैलिड या इनवैलिड जो है वो किसमें है, वैल्यू में है। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52%, विनिंग जो कैंडिडेट है उसको कितना मिला है भाई 52%, तो हारने वाले को 48%। यानी जो मान लीजिए कि टोटल जो कास्टेड था उसमें इनवैलिड कितना था 68, ये क्या हो गया इनवैलिड। तो ये मत कर देना कि सर वैलिड 32, भाई 68 वैल्यू है, तो जो वैलिड होगा उसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वैलिड में जो विनर है और जो लूजर है, विनर को कितना मिला है 52%, तो लूजर को 48%, कितने से जीत गया भाई 4% है। लेकिन ये सारी कहानी किस पे चल रही है, वैलिड पे। तो आप कहोगे कि 4% की वैल्यू 98, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 4 से इसको डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 25 से मल्टीप्लाई, 25 से अगर इसको करेंगे तो 2500 में से 50 कम यानी 2450। इसका कैलकुलेशन समझ में आ रहा है भाई, ये है 98/4 × 100, 4 से 25, 2500, दो ज्यादा 50 माइनस कर दिए यानी 2450। यानी जो वैलिड आया आपके पास वो कितना आ गया भाई 2450, ठीक है, जो वैलिड आया है वो कितना आया है 2450, और जो इनवैलिड है वो 68 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2518, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है वेन डायग्राम पे, बात समझ में आई, वेन डायग्राम पे भी बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि इतने लोग ये खाना खाते हैं, इतने लोग ये खाना खाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा DI में ये बड़ा आता है इस तरह से। इसमें बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो तो या तो सारी पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे या तो सारी निगेटिव वैल्यू, एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी एक ही डायग्राम में पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू एक साथ पुट नहीं किया जाएगा, बस ई बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं, बेसिक तो आप लोग को पता होगा। जैसे कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 78% ऑफ कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 78% किस में पास हो गए भाई इंग्लिश में, 67% मैथमेटिक्स में और 10 फेल हो गए, ठीक है, 10 क्या हो गए भाई फेल हो गए। अब इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, आप खुद बताओ। जैसे मान लो किसी क्लास में, अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि किसी क्लास में 50 बच्चा था, ठीक है, इसमें से मैं बोलूं कि 30 बच्चा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, 25 बच्चा हॉकी खेलता है, समझना ध्यान से, और 5 बच्चा कुछ भी नहीं खेलता है, तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसा है कि टोटल बच्चे कितने थे 50, आपने तो यही खेलने वाले बना दिए कितने 55, और 5 इधर भी, इधर बच्चा टोटल कितना हो गया भाई 60, और एक्चुअल में बच्चा कितना है 50, यानी जो 10 बच्चा है वो कहीं ना कहीं दोनों में ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बात समझ में। जैसे मैं बोलूं कि 20 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि वो क्रिकेट के अलावा भी कोई गेम खेल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि ओनली 20% या 20% स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट, इसका मतलब वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ में आ रही है, तो दोनों बातों का ध्यान रखना है, जब ओनली लग जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आए जाए तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एकदम सीधे सीधे, इसमें तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, कि 78% जो है वो आपका क्या है इंग्लिश में पास हो गया भाई, ठीक है, 67% मैथ्स में पास हो गया, और करा 10% दोनों में फेल हो गया, तो आप बताओ कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होगी भाई 100%। और इधर हम देख रहे हैं तो 8, 7, 15, 7, 6, 13, 1, 14, 145% हो गया, यानी जो 45% बच्चा है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ घूम रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु पास इन बोथ, बात समझ में आ रही है, हु पास इन 7, 6, 13, 14, 155 है, 155%, ठीक है, तो 155% का मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया 55%, ये 55% क्या है जो दोनों में पास हुआ है। क्लियर, इस क्वेश्चन के लिए आपको वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। चलिए अगला पे आते हैं, करा 45% स्टूडेंट फेल इन
मंथ मंथ नहीं होगा भाई, मैथ होगा, ठीक है। 35% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 16 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ एक सब्जेक्ट विच आर 10%। तो अब देखो यहां पे क्या है कि 2% दिया गया है और एक वैल्यू दिया है, लेकिन उसका भी परसेंटेज दिया, और सारा डाटा जो है वो किसका है भाई, फेल का है, ठीक है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ ओनली, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो सब किस में है, फेल में है, और जो क्वेश्चन है वो किस में है, पास में, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा है। तो एक तो है कि कई बच्चे उसी में से क्वेश्चन में से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूं आप भी क्वेश्चन को घुमा दो, कैसे, सारी इंफॉर्मेशन फेल की है तो फेल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं हमेशा पहले कॉमन वाले को फेल करते हैं, जैसे ये हो गया भाई मैथ्स, ये हो गया इंग्लिश, और ये जो मेरा डायग्राम है वो किसका है भाई, फेल का है। तो जब भी वेन डायग्राम आप बनाओगे तो सबसे पहले कॉमन रीजन को फेल करो, तो दोनों में फेल होने वाला कितना है, 10%, ठीक है, ये हमने यहां लगा दिया। मैथ्स में फेल होने वाला कितना था भाई, मैथ्स में फेल होने वाला 45% था, समझो तो 45% में ये पूरा आएगा ना, तो 10 तो ऑलरेडी है, यानी यहां कितना आ गया, 35%, ठीक है। अंग्रेजी में फेल होने वाला 35%, तो ये तो पूरा था, तो 10 यहां आ गया, तो यहां कितना बचा, 25%। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 35, 10, 45 और 25, 70% ऐसा बच्चा है जो फेल हो गया है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब 30% बच्चा ऐसा होगा जो पास इन बोथ, जो दोनों में क्या हुआ होगा भाई, पास हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है, 30% बच्चा ऐसा होगा जो दोनों में पास हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओनली मैथ्स में। तो अब हमको फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका, पास का। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आंसर आपका सही निकलेगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, और ये आपके डीआई में भी काम आएगा। तो पास में एक हमने बना लिया मैथ का और एक हमने बना लिया भाई इंग्लिश का, दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 30%, दोनों भर दिए, अपने से ओनली मैथ्स, यानी यहां वाला पूछ रहा है। अब फिर दिमाग लगाते हैं, मैथ्स में फेल कितना हुआ था भाई, 45%। मैं बोलूं कि 45% बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, तो पास कितना होगा, 55%। मैथ्स में पास होने वाला कितना है भाई, 55%। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये जो मैथ्स का जो घर है पूरा का पूरा, उसमें ई तो है 30%, तो यहां कितना आएगा, 25%, यानी ओनली मैथ्स में पास होने वाला कितना है भाई, 25%। अब अपने से क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू, तो वैल्यू दिया हुआ है, 16 किस दिन काम आएगा, 10% की वैल्यू कितनी दी गई है, 16, और 25% कितना होता है भाई, 2.5 गुना 16 दिन 32, 8, 40, 9 मान माने तो पूरा सजा लो, 10% की वैल्यू 16, तो 1% भाई 16/10, तो 25% कितना हो जाएगा, 16/10 × 25, 5, 2, 8, 5, 40, यानी कितना बच्चा हो गया, 40 बच्चा वो है जो सिर्फ आपका किस में पास हुआ है, ओनली मैथ्स में। तो आप इस क्वेश्चन के पीछे नहीं, क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेन मोटिव था कि जब आप डायग्राम को बनाएंगे तो फेल वाले का अलग बनाना है, पास वाले का अलग बनाना है, ये आपका 5 नंबर में कई जगह काम आ जाएगा जब इस पे डीआई पूछ लेगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए अगर चाहिए होता तो इंग्लिश में कितने थे भाई, टोटल फेल होने वाले 35, 30 ऑलरेडी यहां है, तो यहां कितना आ जाता, 5%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, करा इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, यानी 70% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी, 65% क्या बोल सकते हैं भाई, हिंदी, और 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पोकन नन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो एकदम आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया ही, करा ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो क्या करना है भाई, 70% इंग्लिश वाले हैं सीधे सीधे, ठीक है, 65% हिंदी वाले
और 27% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो 27% कुछ भी नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा अपने में क्या होगा, नन, इसको हम लिख देते हैं कोई भी नहीं बोलते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो 7, 5, 12, 6, 2, 8, 7, 15 छोड़े कितना हो गया 162%। और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है भाई 100%। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा आ रहा है 62%। अगर 62% एक्स्ट्रा आ रहा है इसका मतलब ये 62% क्या है, दोनों में बोलने वाले लैंग्वेज। समझ में आ रही बात, ये जो 62% है वो क्या है, कहीं ना कहीं दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड था भाई, वेन डायग्राम से। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले टाइप पे। अगला जो टाइप है इसके भी खूब क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे एग्जाम में या आपके प्री में आ सकता है, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये नहीं कि पूरा का पूरा मेंसुरेशन लगा जाना, परसेंटेज में मेंसुरेशन है। जैसे बोलेगा लेंथ इतना बढ़ा दिया, ब्रेथ इतना बढ़ा दिया, हाइट इतना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यू उसकी पुट करनी है किसमें, परसेंटेज में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन कर रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 80%। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, उसमें कोई जादू नहीं होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बस फॉर्मूला लिखो, कहानी खत्म। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। कह रहा है एरिया जो है इसका भाई कितना बढ़ गया 80%। 80% बढ़ने का मतलब क्या लिखोगे आप, 180/100। ठीक है, बस यही लिखना आना चाहिए। लेंथ इंक्रीज बाय 40%, तो लेंथ की जगह लिख दो 140। आपसे पूछ रहा होगा ब्रेथ इज इंक्रीज बाय x%, फाइंड x। आप x मत लगा देना, उसको x रखने दो भाई, उसके x से उसका गुजारा होगा, आपको x y नहीं लाना है, आप चुपचाप रख लो ब्रेथ। किसको सॉल्व करोगे तो ये उड़ गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/140 यानी 9/7। अब आप देखो खुद ही समझो कि 9/7 हो रहा है, इसका मतलब पहले कितना रहा होगा भाई 7, अब कितना हो गया 9, कितना बढ़ा 2, किससे 7 से, 1/7 का मतलब 14.28, तो 2/7 का 28.56। क्लियर, तो जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लेंथ को क्या माने, ब्रेथ को कुछ माने, सिंपल ये किसका है, परसेंटेज का है, तो आपको भी क्या यूज करना है, परसेंटेज। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45%। डायगोनल आप क्या पढ़े हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर भाई, साइड स्क्वायर के अलावा भी होता है हाफ डी स्क्वायर। हाँ, एक बात और ख्याल रखना है मेंसुरेशन में, इस हाफ का कोई यूज नहीं है परसेंटेज में, क्योंकि हाफ तो फिक्स है सबके साथ लगेगा, यानी सारा गेम किस पे है, डायगोनल के स्क्वायर पे, यानी डी इंटू डी इक्वल टू क्या होगा, एरिया। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर, लेकिन हाफ कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है। करेक्ट, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 45%, यानी क्या हो जाएगा भाई 55/100, यही आ गया एरिया। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको देंगे काट, क्योंकि 5 का टेबल आता है, मन मानेगा नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी है, काटना नहीं है। 55 का स्क्वायर भाई 50/25 सब लोग सीखे होंगे, और 5×6=30, बटे कितना है भाई 40। अपने को आंसर किसमें चाहिए, परसेंटेज में, तो 20 हटाओगे तो पॉइंट आ गया, यानी पहले अगर एरिया 100 था तो अब कितना हो गया 30 होता, तो 70 कम 0.25 और कम करना, यानी 69.75। समझ में आ रही बात, तो कैसे क्वेश्चन चलाना है, क्लियर है, ये सब कुछ सीखना है भाई, तब पेपर में बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप वही पुरानी लकीर की फकीर बने हुए तो उससे गुजारा जाएगा, नहीं भाई, एकदम स्मार्ट वे में क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 30%, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। रेडियस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूज हो ना हो, 4/3 πr³। ठीक है, अब बताओ 4/3 बिना काम का, क्योंकि फिक्स है, पाई की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, तो ले दे के काम का कौन है, आर क्यूब। रेडियस कितना चेंज हो रहा है भाई, 30%, कितनी बार, 3 बार, तो 130/100, 130/100, 130/100। समझ में आई बात, यही हो गया आपका वॉल्यूम।
अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 13 का क्या होना आपका क्यूब, तो 13 का क्यूब अगर आपको याद है क्या होता है भाई 2197, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाय 1000। अभी फिर मैंने बताया कि इसको क्या करना है, इसके बाद से स्मार्ट वे क्या बताया मैंने आपको कि एक जीरो को काट दो तो ये क्या हो गया भाई 219.7। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है ये, तो आप देखेंगे 119.7% वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, तो समझ में आ गया मेंसुरेशन बेस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, फॉर्मूले में जो फिक्स वैल्यू है उसको भी यूज नहीं करना, सिर्फ जो वेरिएबल है जिन पे वो चीज डिपेंड करती है वो करना है, कहीं भी एक्स वाई कुछ भी यूज नहीं करना, बस 100 से कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अब लास्ट आपका रह गया, आप लोग भी तब से पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइप रह गया मिसलेनियस। कोई टाइप नहीं है, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन वो कलेक्ट किए हैं जो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पा रहे थे किसी टाइप में, जैसे फ्रूट्स वाले क्वेश्चन आप लोग देखते नहीं हैं कि इतना परसेंट ड्राई फ्रूट, इतना परसेंट पल्प, इतना चेंज हो गया ई वो सब कुछ। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा के जाऊंगा, आपको ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स वाले जो क्वेश्चन आपको पता है कि जो फ्रेश फ्रूट है उसमें से अगर वाटर इवेपरेट हो जाए तो वही क्या बन जाता है, ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो दोनों में जो पल्प होता है ना वो होता है सेम, बस उसी पल्प पे क्वेश्चन को उड़ा देना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अगर आपको याद होगा कि दोनों की सेविंग सेम थी तो सीधे सीधे सेविंग को इक्वेट किया, ऐसे ही आपको पता है फ्रेश फ्रूट हो और ड्राई फ्रूट हो दोनों में पल्प क्या होना, सेम होना, बस कहानी खत्म। दूसरा क्या है, फ्रैक्शन वाले जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक के न्यूमरेटर को इतना बढ़ा दिया गया, डिनोमिनेटर को इतना कम कर दिया गया तो नया फ्रैक्शन EU बन गया फलाना ढिमकाना, तो सीधे सीधे है। और मैरिज वाला आपने देखा होगा कि किसी सोसाइटी में इतने परसेंट मेल मैरिज हैं, इतने परसेंट फीमेल मैरिज हैं, और ये भी कहा होगा कि एक से ज्यादा आदमी से शादी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पे रहा, फ्रेश फ्रूट कंटेंट्स बाय 68% वाटर, ड्राई फ्रूट 20% वाटर, करा कितना हमको ड्राई फ्रूट मिलेगा अगर 100 केजी मेरे पास फ्रेश फ्रूट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स में पानी तो उड़ जाएगा तो बचेगा क्या पल्प, पल्प दोनों साइड सेम होगा, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई रेशियो कुछ नहीं बनाना ही नहीं, ये दोनों सेम करना कुछ भी नहीं, एक लाइन में फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है तो वाटर तो कम ज्यादा होगा, पल्प का परसेंटेज नहीं भाई, पल्प की वैल्यू 32% होगा, तो जितना गुदा फ्रेश फ्रूट में होगा उतना ही तो ड्राई में होगा, ड्राई में कितना है भाई 20% वाटर है तो 80% क्या होगा पल्प। समझ में आ रही बात, 100 से 100 उड़ गया, और किसी का टेबल आता है तो उसको भी उड़ा दिए, 16 × 32 16 × 5 80, तो फ्रेश बाई ड्राई कितना हो गया भाई 5/2, यानी फ्रेश फ्रूट अगर 5 यूनिट होगा तो ड्राई फ्रूट 2 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40, यानी कितना केजी हो जाएगा भाई 40 केजी। क्लियर है यार, वीडियो पसंद वसंद आ रहा तो यार दोस्तों को बताइए भाई, ठीक है, तभी तो पढ़ाने का मोटिवेशन आएगा। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई 40 केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए अब क्वेश्चन देखने में एकदम खतरनाक सा लग रहा होगा आप लोग को कि सोल्यूशन में 16.5% सॉल्ट है, 18 लीटर वाटर इज इवेपोरेटेड, 18 लीटर वाटर क्या हो गया उड़ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सोल्यूशन बिकम्स 20.9, यानी कंसंट्रेशन दो चीज होता है कि कंसंट्रेशन होता है एक डाइल्यूशन होता है। ठीक है, इतना आपको नहीं जानना है, सिंपल जानना है कि पहले जो कंसंट्रेशन था वो कितना था 16.9। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इस ग्लास में कुछ हमने सॉल्ट डाल दिया, ये हो गया सॉल्ट का सोल्यूशन, अब बताइए कि इसमें से अगर पानी उड़ेगा तो सॉल्ट तो सेम रहेगा नहीं रहेगा, बात दीजिए कि इसमें मैंने सॉल्ट मिला दिया और मैं इसको वाटर को इवेपरेट करा, ऐसा नहीं कि पी गए तो भाई दोनों गया, लेकिन अगर वाटर को इवेपरेट होने के लिए मौका मिलेगा तो सॉल्ट इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ में आया, अभी के लिए पी लेते हैं। चलिए
तो यानी दोनों साइड सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, परसेंटेज नहीं क्वांटिटी। तो ओल्ड वाले में सॉल्ट कितना है भाई, 16.5%, और नए वाले में जो सॉल्ट है वो कितना है भाई, 20.9। बस कहानी खत्म, 100 से 100 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, 11, 15 और 11, 19, यानी ओल्ड बाई न्यू जो आएगा वो आएगा भाई 19/15, क्लियर, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कितना उड़ा हुआ है भाई, 4 यूनिट, इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, कितना उड़ गया, 18 लीटर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 18, तो 1 की वैल्यू 4×16, 4.5। आपसे क्या पूछा गया है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल का मतलब ओल्ड, 19, तो 19×4.5, 19 × 4=76 और 19×5=95, 76 × 9=85, यानी 85.5 लीटर्स, क्लियर है ये बात, ठीक है, समझ में आ रहा। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार एज्यूम करिए कि अगर आप इसको रेशियो बेस से करते हैं तो हालत खराब हो जाएगी भाई, वैल्यू को इक्वेट करने, वहां पे भी तो कॉन्सेप्ट यही कराते हैं कि सर वाटर उड़ गया तो सॉल्ट को सेम करना है, तो आप वहां पे मल्टीप्लाई करके इसको इससे उसको उससे करते रहते हैं, यहां दोनों को इक्वेट किए काम तमाम, ठीक है। चलिए अगला और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, करा ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज, नहीं इसके बाद एक और आएगा, फिलहाल खत्म ही होने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, 42% आर मेन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड, तो भाई मेन जो है वो शादी किससे करेगा, वुमेन से करेगा, तो आप इनकी करा दीजिए शादी, तो मेन के 42% की शादी वुमेन के 24% से हमने करा दी, ठीक है, 100 से 100 उड़ा दीजिए, 6×7=42, 6×4=24, यानी जो मेल बाई फीमेल या मेल बाई वुमेन या मेन बाई वुमेन कितना हो गया, 4/7, यानी उस शहर में अगर आपके मेल होंगे 4 तो फीमेल कितनी होंगी भाई, 7, करा कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो मैरिड है, तो मान लो मेल को मैंने मान लिया 400, फीमेल को मान लिया मैंने 700, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई, 1100 × क्या होगा, 100, यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर। चलिए करा मैरिड, तो मेल में कितने लोग शादी कर रहे हैं भाई, 42%, तो अगर मैं 400 का 42% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 168, अब बताइए अगर 168 मेल की शादी हुई है तो मेल की शादी होगी किससे, फीमेल से, तो 168 अगर मेल होंगे तो फीमेल भी कितनी होंगी, 168, तो 168 + 168 कितना हो गया भाई, 2×8=16, 2×6=12=13, 16 × 32=16, 0 से 0 कट गया, इसको काट दीजिए, 11×3=33, कुछ गलत हो गया क्या, हो 7×4=1100, 4×2=8, 4×6=16, 168, 42% मेल मैरिड है, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट हु आर अनमैरिड, हाँ ठीक है, हमें क्या निकालना है, अनमैरिड, तो ये क्या निकालना है, मैरिड, तो मैरिड निकाल लेते हैं, अनमैरिड के लिए माइनस कर देंगे, 11×33=0, 30, 11×1=11, ठीक है, और 9×0, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो गलती मेरे से होने जा रही थी, इसमें क्या पूछा गया है, एडल्ट हु आर अनमैरिड, वो तो ये सामने ऑप्शन दिख गया, समझना बात को भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ओवर, सामने ऑप्शन दिख गया कि बड़ा ऑप्शन आ रहा, अपना आंसर क्या आ रहा, छोटा आ रहा, तो मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ लिया, पेपर में भी जल्दीबाजी में ये गलती होती है कि हम फटाफट एकदम दिमाग में सेट है कि मैरिड पूछेगा, मैरिड पूछेगा, यहाँ क्या पूछ लिया, अनमैरिड, और 1 सेकंड में माइनस में चले गए, तो यहां तो आंसर दिख गया, आपको पेपर में सावधानी से पढ़ना है, ये गलती नहीं करनी है, तो 30.11×33=20, 2×0=11, यानी 30.1, तो 69 से पीछे जाएगा, सॉरी 70 से पीछे जाएगा, तो 70 से पीछे आपकी जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी आपकी, 69.55, तो ये क्या हो गई आपकी, अनमैरिड पॉपुलेशन हो गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज की क्लास का। कह रहा है इफ द नंबर और न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन भी इंक्रीज बाय 20%, यानी एकदम फटाफट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 20%, यानी 120/100, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, 95/100। 100 से 100 गया 5, 24, 5, 19। कह रहा है जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या हो जा रहा है भाई, 5/2। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन 19/95, 24×48, तो 95/48। समझ में आ रही बात, क्लियर है ये बात, तो ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो गया। ऑलमोस्ट आप लोग के सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कराने की कोशिश की। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई अगर आपकी वीडियो की डिमांड हो तो जरूर बताएं। शुभ रात्रि।